So hi guys, welcome to Accidental Doctor YouTube channel. So here we are discussing about a new medical college today. आज हम नए medical college के बारे में discuss करने वाले हैं जो हमारा नेताजी सुभाष medical college and hospital है और ये हमारा अमराहा भेता पटना में है. तो बिहार के colleges discuss कर रहे हैं. इसके सारे features हम आपको cut off, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है वो कट ऑफ रहता है, तो हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे. कट ऑफ में वेरिएशन रहता है. इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था कॉलेज का वो 2020 में हुआ था, तो कॉलेज अभी ज़्यादा पुराना नहीं है. एस्टैब्लिशमेंट कॉलेज का अभी नया ही हुआ है. बाकी अगर हम इसमें इसके ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो ट्यूशन फ़ीस है इसकी 15,50,000 प्लस हॉस्टल फ़ीस जो है वो 2 लाख रुपये है और आपकी जो कॉशन मनी है वो 50,000 है और सिक्योरिटी 2 लाख रुपीज़ है. तो ये सारी डिटेल्स आपकी ट्यूशन फ़ीस की हैं और बाकी अब हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. कट ऑफ इसमें यूजुअली 300 प्लस जाती है और सेकेंड राउंड में, अगर फर्स्ट राउंड की बात कर रहे थे, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ 300 प्लस रहती है, सेकेंड राउंड में कट ऑफ 200 प्लस जाती है, मॉपअप राउंड में 160 प्लस. तो मॉपअप राउंड में देखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी कम हुई है. यूजुअली बिहार के कॉलेजेस में आपका, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है तो कट ऑफ कम रेंज में जाती है और फर्स्ट राउंड में आपको 300 प्लस में मिलेंगे, सेकेंड राउंड में आपको 200 प्लस में मिल जाएगा कॉलेज, मॉपअप राउंड में 160 प्लस. लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा जो बिहार के कॉलेजेस हैं वो मॉपअप राउंड में दे आस्क फॉर अ 12 लाख रुपीज का DD पर वो साइन करवाते हैं, तो उसमें लोग कम हो जाते हैं और कम लोग ही ऑप्ट करते हैं, तो इस वजह से कट ऑफ काफ़ी कम चली जाती है. जिसको कोई कॉलेज नहीं मिलता और उसका बजट सही रहता है और मार्क्स होते हैं तो दे गो फॉर दिस मॉपअप राउंड. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है. बाकी जो आपका कॉलेज है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री मदन मोहन सिंह इसको इस्टेब्लिश किया गया है और न्यू वेंचर है श्री मंतो देवी महिला कल्याण संस्थान का, क्योंकि कॉलेज अभी पुराना नहीं हुआ है, न्यू वेंचर है ये. तो बाकी अगर हम इसके पेशेंट फ्लो की बात करें जाए तो पेशेंट फ्लो 100 प्लस रहता है और अभी इसकी क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस तो कॉलेज कोई ऐसा नहीं लेता है क्योंकि जो सारी मैंने आपको डिटेल्स बताई वही ट्यूशन फीस में रहती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है. और एग्ज़ामिनेशन एज अ यूनिवर्सिटी करवाता है ये, जो इसकी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एग्ज़ामिनेशन करवाए जाते हैं. और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स इसमें 100 हैं. बिहार के अभी जैसे हमने श्री नारायणा की भी बात करी, श्री नारायणा में 100 सीट्स हैं और ज़्यादातर कॉलेजेस में, जो बिहार के कॉलेजेस हैं उसमें 100 सीट्स अवेलेबल हैं. यूजुअली अदर स्टेट्स में 150 रहती हैं, तो आप इस फैक्टर को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि सीट्स कम है इसमें, 50 सीट कम होना होता है. तो ये है. और कैंपस में जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है उसमें बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल दोनों हैं, एक रूम में 2 बॉयज़ हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए रहता है, 2 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं बेसिकली. बाकी देर इज़ नो AC रूम अवेलेबल, बाकी सारे नॉन AC रूम्स अवेलेबल हैं. ये थोड़ी, बट ठीक है, यू कैन कॉम्प्रोमाइज़, इतना आप एडजस्ट कर सकते हो, यू कैन मेक अप फॉर दैट. बाकी अगर आउटिंग टाइम की बात करें तो कोई ऐसा बाउंडेड नहीं है, आउटिंग टाइम इसका लिमिटेड सा है, मतलब आप देख सकते हो नया कॉलेज है, कट ऑफ के हिसाब से अच्छे से कंसिडर करना फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड. सो कट ऑफ के बेसिस पे सब अच्छे से कंसिडर करना, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड के हिसाब से. लास्ट में हमने आपको एक कैंपस टूर और इमेजेस प्रोवाइड करी हैं और हमारे जो सर्विसेज हैं वो आपको हमने प्रोवाइड करें. रीच आउट, आप हमको रीच आउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, हमारे जो प्रोवाइडेड हैं उस पे आप हमको रीच आउट कर सकते हो. हम आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो कि आपको बताता है कि आप हमसे कौन सी सर्विसेज अवेल कर सकते हो. सो दीज आर ऑल, होप यू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपकी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे अपने काउंसलिंग प्रोसेस के लिए. होप यू enjoyed the video. Thank you.